हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग। तो हमारे पे एक क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग का, तो ये गवर्नमेंट पेपर का क्वेश्चन पेपर है। तो उसमें से मैं आपको सॉल्व करके एक आंसर और दिखाता हूँ। तो ये हमारे पे दिया गया क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पे ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारे का आंसर फाइंड करना है। पहले मैं ये क्वेश्चन उठा देता हूँ नीचे, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ 849, लास्ट में कितना है 288, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्या है 756, लास्ट में है 210। और नेक्स्ट वाला क्या है 96 क्वेश्चन मार्क, एंड में कितना है 162। तो ये हमारे को दिया हुआ है, तो हमें क्वेश्चन मार्क का आंसर फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं कैसे किया जाएगा। तो हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले हम इस तरीके से करते हैं, 8 को हम इससे गुणा करेंगे, 8 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 32, 32 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, करके देखते हैं, ठीक है। हम 32 को गुणा करते हैं 9 से, तो 9 दुनी 18, ठीक है। 9 को 3 से गुणा करेंगे, 9 तिया 27, 27 एक 28, तो आ गया हमारा आंसर। ये इसका तो आंसर निकल गया। इसी तरीके से इसका निकालेंगे, सेम इसी तरीके से। तो 7 को हम 5 से गुणा करेंगे, 7 5 35 होता है, 7 5 35 होता है। 35 को 6 से गुना करेंगे, ठीक है, 5 6 30, 30 आ गया, ठीक है। 3 को 6 से गुना करेंगे, 6 6 6 2 12, 6 3 18 18 19 20 21, तो 21 आ गया। तो इसी तरीके से 21 का भी आंसर आ गया हमारा। अब तो इसको ही फाइंड करना है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको भी सेम इसी तरीके से। 9 को हम 6 से गुना करेंगे, 9 6 कितना होता है 54, ठीक है, 54 होता है। तो अब हम कन्फ्यूजन में हो जाएंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह तो कुछ वर्ड ही नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क का आंसर कैसे फाइंड करें। तो हम कैसे करेंगे, ये वाला तो दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, गुना करने की जगह पे हम इसे क्या करेंगे, भाग करेंगे 162 से, ठीक है, भाग कर देंगे हम 162 पे, ठीक है। 54 एकम 54 54 दूनी कितना होता है, कितना होता है करके देखते हैं पहले, है ना, मुझे भी नहीं पता, मैं भी भूल गया हूँ, ठीक है। तो हम करेंगे 54 को 2 से गुना, 4 एकम 4 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 होता है। 5 को 2 से करेंगे गुना करेंगे, 5 दूनी 10, तो ये कितना होता है 54 दूनी कितना होता है 108 होता है, ठीक है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे, क्योंकि 108 तो है नहीं है, तो अब 54 को हम गुना करेंगे 3 से, ठीक है। तो पहाड़ा निकालने के लिए इस तरीके से हम पहाड़ा निकाल सकते हैं आगे को। तो अब 4 को हम 3 से गुना करेंगे, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 12 लिखा, ठीक है, तो 12 लिख दिया हमने। अब 3 को 5 से गुणा करेंगे हम, 5 3 15 होता है, 15 1 16, तो हमारा क्या आ गया 16, तो हमारा 16 आ गया। तो ये वाली हमारी आंसर निकल आया। उसके बाद ये जो आंसर रहा हमारा जो 3 पे आया, तो वो क्या होगा हमारा आंसर, क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आएगा 3, तो हमारा आंसर 3 होगा और इसमें डी आंसर होगा राइट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू।